तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे इंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊँगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था। तो हो सकते हैं कि यह वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे। इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, के रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचुम। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो शुरू होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं। बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोटाई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदिनी चौहान जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि ये तो गाँव का आदमी था, गंवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदिनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदिनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रो ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रो भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके TV चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे।
जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है, तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा। जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा, उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था, और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है, और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई, क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं, और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि यह वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी, और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, मालती चहर, आयर झुकला, देवगिल, केके रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचुम। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है, जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं। बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोट आई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी, जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी, जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के,
और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदनी चौहान, जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गाँव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके टीवी चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा, उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था, उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई, क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि यह वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, केके रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू, इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी।
तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो शुरू होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है, जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं, बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके प्यारों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी ऐसी चोटाई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी, जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी, जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं, तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदी चौहान, जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गाँव का आदमी था, गंवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके टीवी चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे इंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊँगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह्स ऑफ द ग्रेट,
और अपने जैसी कमाल की मूवी जो पहले बना चुके हैं, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई, क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं, और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि ये वजह है, या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों, अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी, और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, के रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है, जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है, और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों, अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है, और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं, बट उनके जो सीनियर लोग थे, जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं, वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोट आई होती है, और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी, जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी, जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं, तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देख कर मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदी चौहान, जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं, और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गांव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था, जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं, और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं, और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों, मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके TV चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है, और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ वाली स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा, उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी, जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है, या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है, तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए, और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है, और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है, और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ।
तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी, जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है, और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह्स ऑफ द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई, क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं, और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था। तो हो सकते हैं कि यह वजह है, या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे। इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, के रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है, जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो शुरू होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है, जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं। बट उनके जो सीनियर लोग थे, जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं, वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोट आई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी, जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी, जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं, तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देख कर मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदी चौहान, जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गांव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था, जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी और ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके TV चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस, थ्रिलर, हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता,
और इस मूवी की जो कॉलेज लव स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा, उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई, क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि यह वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, केके रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं। बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके प्यारों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोटाई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदी चौहान जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गांव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदिनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदिनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके प्यार भी
ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके टीवी चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर दो स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि यह वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, के रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं। बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए
तैयार नहीं है क्योंकि आपके प्यारों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोट आई होती है और फिर भी वो मिशन करने जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदी चौहान जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गाँव का आदमी था, गंवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके टीवी चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर दो स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे इंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊँगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि यह वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको यह मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी,
मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे। इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, के रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो शुरू होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं, बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोट आई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देख कर मजाक बनाते हैं क्योंकि वो एकदम साजू की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदनी चौहान जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गांव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके टीवी चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन हैं जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी बनते हैं वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ वाली स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है।
बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि ये वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, केके रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं, इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं, बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोट आई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदी चौहान जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गाँव का आदमी था, गंवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदिनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदिनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके TV चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लव स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस।
तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है, बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई, क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि यह वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, के रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं, बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोटाई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी, जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी, जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदिनी चौहान, जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि ये तो गांव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदिनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदिनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रो ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रो भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके TV चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है।
बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और इसके अलावा इस मूवी के जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा। जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा, उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है, और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई, क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि ये वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, मालती चहर, आयर झुकला, देवगिल, केके रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचुम। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं, बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके प्यारों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोट आई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी, जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी, जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के
और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदनी चौहान, जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गाँव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके टीवी चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी बनते हैं वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा। जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लव हाई स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा, उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई, क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि यह वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, के रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी।
तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो शुरू होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है, जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं। बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं, वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके प्यारों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोटाई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी, जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी, जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं, तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदी चौहान, जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि ये तो गांव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदिनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदिनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके टीवी चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा। जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे इन्जॉय कर सके। मैं आपको बताऊँगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है, और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं क्योंकि उन्होंने वीर सिंह साहब द ग्रेट
और अपने जैसी कमाल की मूवी जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं, और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि ये वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी, और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, केके रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है, और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं, बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोट आई होती है और फिर भी वो मिशन के लिए जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देख कर मजाक बनाते हैं क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदनी चौहान जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गांव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रो भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ZEE5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो ZEE सिनेमा है उनके TV चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है, और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लव स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ।
तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों, इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी, जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह्स ऑफ द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई, क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था। तो हो सकते हैं कि ये वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों, अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे। इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, के रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है, जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों, अगर मूवी की जो कहानी है वो शुरू होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं। बट उनके जो सीनियर लोग थे, जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं, वो मना कर देते हैं कि आप वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोटाई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी, जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी, जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं, तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदी चौहान, जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि ये तो गांव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदिनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदिनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था, जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके TV चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस, थ्रिलर, हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता,
और इस मूवी की जो कॉलेज लव स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा, उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है, तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह्स ऑफ द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई, क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि यह वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, मालती चहर, आयर झोकला, देवगिल, केके रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं। बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोट आई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी, जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी, जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देख कर मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदनी चौहान, जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गाँव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके प्यार भी
ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके टीवी चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी बनते हैं वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा, उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था, उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि यह वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, मालती चहर, आयर झुकला, देवगिल, केके रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू, इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं, इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं, बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए
तैयार नहीं है क्योंकि आपके प्यारों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोटाई होती है और फिर भी वो मिशन करने जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदनी चौहान जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गाँव का आदमी था, गंवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके टीवी चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे इंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊँगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि यह वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी,
मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे। इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, के रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के साथ जाने की बात कर रहे होते हैं, बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोट आई होती है और फिर भी वो मिशन के जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देख मजाक बनाते हैं क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदी चौहान जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गांव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी और ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके TV चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन हैं जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी बनते हैं वॉच है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी पास्ट प्रेजेंट की और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ वाली स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है।
बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि ये वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, के रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू, इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं, इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं, बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोट आई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदी चौहान जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गाँव का आदमी था, गंवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके TV चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर दो स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ वाली स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस।
तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है, बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई, क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था। तो हो सकते हैं कि यह वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई, वजह बहुत सारी हो सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झोकला, देवगिल, के रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं, बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोटाई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी, जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी, जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदिनी चौहान, जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गांव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदिनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदिनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके TV चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है।
बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और इसके अलावा इस मूवी के जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा। जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ वाली स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा, उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है, और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई, क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि यह वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, मालती चहर, आयर झुकला, देवगिल, केके रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचुम। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं, बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके प्यारों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोट आई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी, जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी, जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के
और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदनी चौहान, जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गांव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रो भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके टीवी चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी बनते हैं वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ वाली स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा, उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊँगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है, और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि यह वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको यह मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झोकला, देवगिल, के रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी।
दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है, जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं। बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं, वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोटाई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी, जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी, जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं, तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदनी चौहान, जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गाँव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके टीवी चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा, उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे इन्जॉय कर सके। मैं आपको बताऊँगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह्स ऑफ द ग्रेट
और अपने जैसी कमाल की मूवी जो पहले बना चुके हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं, और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था, तो हो सकते हैं कि ये वजह है या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी, और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे, इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, केके रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचुम। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है, और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं, बट उनके जो सीनियर लोग थे जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोट आई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देख कर मजाक बनाते हैं क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदनी चौहान जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि तो गांव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके टीवी चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है, और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस थ्रिलर हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता, और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ वाली स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जीनियस। तो अगर दोस्तों आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक बेहद ही कमाल की जो बॉलीवुड की मूवी है उसे एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊँगा कि इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हिंदी भाषा में आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ आती रहती है और साथ में कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके बारे में रिव्यूज़ करते रहता हूँ।
तो चलिए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीनियस इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम। अगर बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को जो IMDb है वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। 10 में से 5 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स दिए थे। दोस्तों, इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो कि वैसे तो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले भी बनाई है। बट यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यह जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ था और इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था और इस मूवी का कलेक्शन लगभग 8 करोड़ का हुआ था। उसके चलते इस मूवी को काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ा था। वैसे दोस्तों मूवी के जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी कमाल के हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है पहले भी, जो लोगों को बहुत ही पसंद आई है, और उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वीर, सिंह साहब द ग्रेट और अपने जैसी कमाल की मूवीज़ जो पहले बना चुके हैं, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बट ये मूवी शायद लोगों को पसंद ना आई, क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी इस तरह की थी कि जैसे हम ऐसी मूवीज़ पहले देखते आए हैं और इस मूवी के अंदर ज़्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला था। तो हो सकते हैं कि यह वजह है, या फिर नया हीरो था तो इसलिए मूवी फ्लॉप हुई। वजह बहुत सारी हो सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मूवी को देखना पसंद है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आपको ये मूवी देखना ज़रूर पसंद होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो दोस्तों, अगर मेरी माने तो मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी और मुझे इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी ख़राब बात तो नहीं लगी। मूवी के जो गाने थे वो भी काफ़ी कमाल के थे। इसके अलावा मूवी की कहानी भी थी वो भी काफ़ी कमाल की थी। अगर हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, माल्टी चहर, आयर झुकला, देवगिल, के रैना, अभिमन्यु सिंह, राजीव करचू। इसके अलावा भी बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर है, जिनके जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है और वो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर बात करें मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो उत्कर्ष शर्मा है वो यहाँ पर वासुदेव के रोल में होते हैं। इसके अलावा जो इशिता चौहान है वो यहाँ पर नंदिनी के रोल में है। और दोस्तों, अगर मूवी की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है उत्कर्ष शर्मा से, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक रो एजेंट है और वो एक रूम के अंदर है, जहाँ पर वो एक मिशन के तहत जाने की बात कर रहे होते हैं। बट उनके जो सीनियर लोग थे, जो कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं, वो मना कर देते हैं कि आप, वो उनको ये बात बताते हैं कि आप अभी इस मिशन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके पैरों की हालत ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर हमें बात मालूम पड़ती है कि जो हम मूवी के हीरो है उसको काफ़ी अच्छी चोटाई होती है और फिर भी वो मिशन के अंदर जाना चाहता है। फिर यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में जाएंगी, जहाँ पर आप सभी को जो उत्कर्ष शर्मा है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो मूवी की कहानी पहले कॉलेज में जाएंगी, जहाँ पर जब उनकी एंट्री होती है, यानी कि जो वासुदेव शास्त्री है वो एंट्री करते हैं, तो एकदम ऐसे लुक में आते हैं कि सब लोग उसको देख कर मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो एकदम साधु की तरह एंट्री मारते हैं मुंडन करवा के। और यहाँ पर एक लड़की होती है नंदी चौहान, जो कि हर बार कॉलेज के अंदर फर्स्ट आती है, टॉप में रहती है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वासुदेव शास्त्री टॉप में आ जाते हैं और सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि ये तो गांव का आदमी था, गवार था, ये कैसे टॉप में आ गया। फिर वैसे नंदनी और वासुदेव इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। नंदनी हर बार यही प्लान बनाती है कि उसको कैसे हराए, उसको रास्ते से कैसे हटाए, पर वो जो नफरत थी वो प्यार में बदल जाती है। फिर काफ़ी गाने चलते हैं, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो वासुदेव शास्त्री है वो उसको ये बताता है कि मेरा सपना है रॉ ज्वाइन करने का, तो वासुदेव शास्त्री रॉ भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको एक मिशन दिया गया था, जो कि मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं और उनके पैर भी और ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चोटें आई थी। अब यहाँ पर फिर भी वासुदेव शास्त्री यहाँ पर बैठे बैठे कुछ हैकिंग के बारे में जानते हैं और हैकिंग कर कर उनकी हेल्प करते हैं। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी सही है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर यह मूवी अवेलेबल है। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को जो जी सिनेमा है उनके TV चैनल के ऊपर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सही मूवी है और इस मूवी का एंडिंग है वो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन हैं जो आप आगे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बट इस मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो हीरो है उनकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। तो मेरे हिसाब से यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लव स्टोरी या फिर सस्पेंस, थ्रिलर, हैकिंग टाइप मूवीज़ को देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप सभी को हैकिंग देखने को मिलेंगी और रोमांस भी देखने को मिलेगा। जो कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर 2 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट की, और उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो अगर इस मूवी का रन टाइम कम होता तो भी चलता,
और इस मूवी की जो कॉलेज लाइफ स्टोरी है वो भी काफ़ी कमाल की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी पसंद आएगी। और अब देखते हैं कि हमारे जो हीरो है उत्कर्ष शर्मा, उनकी कोई और नई मूवी हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि उनकी कुछ और मूवीज़ आएंगी जैसे गद्दार 2, तो वो जल्दी आ जाएंगी, जिसके बारे में हमें उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो जैसे मुझे इस मूवी के बारे में कुछ और न्यूज़ मिलती है या फिर ये मूवी यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली आती है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा।